तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है ये। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे सामने लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये बेहतरीन सा चैप्टर है, आज स्टार्ट करते हैं इसको। कोशिश रहेगी मेरी कि फुल वीडियो अपलोड की जाए इसकी। देखो भाई, पहले हमको ये समझना है कि एक्चुअल में एल्डिहाइड क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो, एल्डिहाइड का जो पहचान है वो ये है कि आपको R मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर H, ठीक है। यहाँ क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे लास्ट में आएगा। अगर मैं इसमें इस एल्डिहाइड में H के स्थान पर OH ऐड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं इस एल्डिहाइड के या कीटोन में OH के स्थान पर या इसमें H के स्थान पर R जोड़ दो, दूसरा कोई देख, तो ये अब क्या, इधर R, ये R डैश, ये दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड या आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल कह लो उसको, और ये एल्डिहाइड, ठीक है ना। और ये क्या हो गया मेरे पास में, कीटोन, ठीक है ना। देखो तो ये R सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ना इसका एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, अगर आपने ये R ग्रुप है, इस R ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बॉन्डेड है, अगर आप इसमें इधर H के स्थान पर OH के स्थान पर या फिर इस R डैश के स्थान पर अमाइन जोड़ दिया NH2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अमाइड, क्या बनेगा, अमाइड, हिंदी में कहते हैं एमाइड, ठीक है ना, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, ठीक। और अगर हमने इसमें एक्स जोड़ दिया, अगर हमने इसमें एक्स जोड़ दिया, एक्स कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड या फिर असाइल हैलाइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, असाइल हैलाइड कहते हैं, एसिल हैलाइड इसको हिंदी में बोलते हैं, एसिल हैलाइड भाई, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, ये नाम तो सबके सेम ही रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, एसिल हैलाइड पढ़ लेते हैं हिंदी में, एसिल प्रोनाउंसिएशन का ना ये दे रहा है, प्रोनाउंसिएशन इसमें एसिल दे रहा है, तो एसिल हैलाइड कर लो या असाइल हैलाइड कर लो। इसमें देखो जितने भी मैंने यहां एग्जांपल्स लिखे हैं, सब में कौन है, सीओ ग्रुप जरूर आ रहा है ना, सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल समूह, क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप यहां पर चल रहा है जो असाइल है, मतलब कि कार्बोनाइल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं और हिंदी में से प्रोनाउंसिएशन करते हैं कार्बोनिल समूह से, तो इसमें सभी में क्या है, कार्बोनिल समूह है, और इस चैप्टर के अंदर हमें यही सारे दिखने वाले हैं, ठीक है। इनके रिएक्शन आएंगे, पहले इनका विरचन आएगा, फिर रिएक्शन आएगा, विरचन पहले आएगा, उससे पहले इसका नाम आएगा, पहले हम लोग नाम करना सीखेंगे इन सभी का, अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, आईपीएससी नाम आएगा, फिर उसके बाद में उसका विरचन आएगा, फिर उसके बाद में उसका भौतिक गुण आएगा, और भौतिक गुण के बाद में फिर क्या आएगा, इसका रासायनिक गुण आएगा, ठीक है ना, और फिर कुछ उपयोग आते हैं इनके। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सब कुछ देखने वाले हैं, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसको ड्रॉ करो फटाफट से, इसको लिखो, आपके ना चैप्टर स्टार्ट होते ही फ्रंट पेज पे ये दिखना चाहिए, ठीक है। मैं अभी सबका इसका एग्जांपल लूंगा, ठीक है, कॉपी करो उसको जल्दी से। तो देखो है ना, इसका आ गया,
अब आता है कि ये जो सारे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कहां काम आएगा, कहां यूज आएगा, तो लिखो इसमें ये अनेक खाद्य उत्पादों, लिखो पॉइंट लिखो इसमें, ये अनेक खाद्य उत्पादों, इसमें खाद्य उत्पादों व औषधों में, व औषधों क्या होता है, औषधि होता है मेडिसिन, औषधों में सुगंध, सुगंध, सुगंध प्रदान करने के, प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, सुगंध प्रदान करते हैं इससे हम लोग, यानी कि फ्रेग्रेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। और कुछ को हम लोग विलायक के रूप में काम आता है। ये इस वर्ग के, इस वर्ग के कुछ, इस वर्ग के कुछ यौगिकों का उत्पादन विलायक और आसंजी, कुछ यौगिकों, यौगिकों का उत्पादन विलायक, विलायक मतलब जिसमें घोलते हैं, विलायक को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट है ना, जो घोलने काम में आता है, यानी कि इसका जो एग्जांपल होगा वो एसीटोन, एसीटोन आप कह सकते हैं ना, तो एसीटोन के काम में आता है। तो देख लो, एसीटोन और आसंजी, 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 आसंजी को हम लोग जो है वो बोलते क्या है, चिपकाने वाला पदार्थ, क्या, चिपकाने वाला पदार्थ, ठीक है ना, मतलब कि हम लोग इस ग्रुप के जितने भी कुछ होते हैं वो हम लोग चिपकाने वाले मैटर, सबस्टांस या कह लो पदार्थ का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं, पेंट हो गया, रेजिन हो गया, प्लास्टिक है ना, पेंट, रेजिन, ठीक है, ये आदि होता है इसमें। सुगंध उत्पन्न करने के लिए प्लास्टिक, वस्त्र, प्लास्टिक, वस्त्र, सुगंध, सुगंध सुगंध आदि के लिए, सुगंध आदि बनाने के लिए, सुगंध आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी सारी चीजें यहां निकल के आई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना, ये एल्डिहाइड, कीटोन, ये कहां काम आते हैं, इन्हीं सब के अंदर होते हैं। और खासकर ना मेडिकल फील्ड में, फार्मेसी में, खास करके औषधियों को बनाने में, मेडिसिन को बनाने में इनका बड़ा रोल होता है। उसमें ना जहां देखोगे तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मिलेगा देखने को, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन। हम लोग कुछ ना एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक, मैं ये बना के दे रहा हूं, देखो आपको, ये OH हो गया और ये CHO, क्या नाम है इसका, सैलिसिलिकल्डिहाइड था ना, या इसको सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है, सिनेमल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, संरचना है देख लो, है ना, सब में एल्डिहाइड समूह ही आता है,
ये हो गया। ठीक है, सी एच फिर सी एच डबल बॉन्ड फिर सी एच ओ, ये क्या है, इसका नाम है सिनेमैल्डिहाइड, 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 ठीक है ना, सिनेमैल्डिहाइड, सिनेमैल्डिहाइड ये हमारा हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है ना। इसमें एक और आता है विनेलिन, उस पर एल्डिहाइड भी होता है, ईथर भी होता है। देखो विनेलिन है ना, इस पर होता क्या है, एल्डिहाइड। ये हो गया विनेलिन, विनेलिन बोलते हैं इसको, विनेलिन हो गया, ठीक है ना। ये विनेलिन हो गया, इसमें कौन, इसमें इथर भी आ गया, ये रहा इथर, इधर एल्कोहल, इधर एल्डिहाइड, एक ही बेंजीन पे ऊपर तीनों समूह अटैच है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं विनेलिन, क्या कहते हैं इसको हम लोग, विनेलिन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या देखना है, इसका नाम और संरचना, क्या देखना है, नाम और संरचना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसका देखो सामान्य नाम, क्या देखो, सामान्य नाम देखो इसका, कीटोन का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, कुछ हम लोग पहले नाम लिखेंगे, ठीक है ना, सामान्य नाम, फिर हम आईयूपीएसी नाम की तरफ चलेंगे, ठीक है भाई, छाप लिया। ये जो ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड यहां के बजाय ये इधर आएगा, ठीक है ना, सी एच डबल बॉन्ड फिर सी एच फिर सी एच ओ है, ठीक है ना। तब फिर क्या बनेगा इसका, ये करेक्ट हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो ठीक कर लो इसको। तो इसमें क्या, अब इसका आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, आ जाओ। तो पहले हम लोग नाम लिखना सीखते हैं, आईयूपीएसी नामकरण। इससे पहले ना हम लोग सामान्य नाम देख लेते हैं एक बार, है ना, सामान्य, सामान्य नाम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो कुछ इसके नाम होते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना, ऐसे ना कुछ नाम आते हैं। देखो अगर एच सी एच ओ है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अगर कार्बन एक है एल्डिहाइड में तो फॉर्माइल बोलते हैं ना, तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है ये, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। अगर सी एच थ्री सी एच ओ है तो दो कार्बन आ गए तो एसिटाइल बोलते हैं इसको, तो एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना, प्रोपेनाल्डिहाइड, ऐसे आगे ये नामकरण इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास आ गया इधर देखो, ये बेंजल्डिहाइड, बेन जल डी हाइड हो गया इसका नेम, ये क्या हो गया, बेंजल डी हाइड, ठीक है भाई, हो गया तुम्हारा बेंजल डी हाइड। अब ऐसे हम लोग अल्फा बीटा गामा भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है भाई। देखो ऐसे सी एच थ्री हो गया सी एच, सी एच उधर हो गया सी एच ओ, तो ये जो कार्बन जो एल डी हाइड वाला है उसके जस्ट बाद वाला अल्फा होगा और ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा, ठीक है ना। तो ऐसे कार्बन को नाम दिए जाते हैं। अब अगर मान लो यहां पर बी आर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको, बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड, ब्यू
ब्यूटायरल्डिहाइड, ये हम इसको नामकरण देते हैं, ठीक है ना, ब्यूटायरल्डिहाइड। तो ये कुछ कॉमन नेम है इसके, क्या है ये कुछ इसके कॉमन नेम है। अब हम लोग कीटोन का देखते हैं कुछ आयुर्वेदिक नेमिंग, है ना, कुछ कॉमन नेम हम लोग कीटोन का देखेंगे। एसीटोन सबसे पहला आता है, एसीटोफिनोन, है ना, ये लिख लिया, देखो यहां पर दो लगा लेना, ठीक है ना, ये तो एच वैच बैलेंस ना खुद ही कर लिया कीजिए कि वहां पर एच दो है तीन है ना, बैलेंसी देख करके कार्बन की हमें खुद कर लेना एच ना, अगर अभी एच छूट जाए ना कि कहां पर कितना रह गया तो खुद बैलेंस कर लिया करो एच का, ठीक है। देखो अब हम लोग लेते हैं कीटोन के लिए, है ना, ये तो एल्डिहाइड में हो गया कुछ नाम हमारे पास। कीटोन में जो सबसे पहला आता है, देखो पहला मेंबर यही है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच थ्री, ठीक है, एसीटोन, इसे हम कहते हैं एसीटोन। और एसीटोन का बहुत बार यूज होगा, फिर मत कहना कि आपको पता नहीं स्ट्रक्चर, नहीं याद कर लो स्ट्रक्चर को, एसीटोन। एसिटोफिनॉन, देखो अगर बेंजीन के ऊपर कुछ ऐसा रहेगा तो एसिटोफिनॉन बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ उधर ये सी एच थ्री, क्या बोलते हैं उसको, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन हो गया ये, ठीक है। और अब होता है बेंजोफिनॉन, अगर बेंजोफिनॉन जब भी बोलेगा तो आपको दो तरफ बेंजीन जोड़ना है, आपको दोनों तरफ बेंजीन जोड़ना है, लो जुड़ गया बेंजीन, देखो ये हमारे पास क्या हो गया एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन नहीं बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन आएगा भाई, ठीक है, ये आपका हो गया बेंजोफिनॉन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कॉमन नेम है किसका, एसीटोन का। इसमें एक और आता है, इसमें एक आता है प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, देखो ऐसे कार्बन होता है डबल बॉन्ड ओ सी एच टू इधर सी एच थ्री, ये क्या हो गया प्रोपियोफिनॉन हो गया, है ना, तो तीन कार्बन हो गया एक दो तीन, तो प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन हो गया इधर से, ठीक है। ये हमारे पास कीटोन का था कुछ क्या चीज सामान्य नाम, ये कीटोन का था कुछ सामान्य नाम कॉमन नेम। अब हम लोग चलते हैं आगे और इसका आयुपेक नाम देखते हैं, ठीक है ना। आयुपेक नाम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे लंबी कार्बन चेन छांटते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटने के बाद में क्या होता है नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उस ओर से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, ठीक है। और फिर हमको देखना होता है कि कितने ब्रांच हैं, ब्रांच का नाम पहले करते हैं फिर करते हैं किसका मेन मेन चेन का नाम करते हैं ना, मेन कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं और फिर हम लोग पूर्व सॉरी अनुलग्न लगाते हैं, है ना, अनुलग्न हम लोग उसमें लगाते हैं। अभी आप देखना जब मैं यहां नाम लिखूंगा कुछ अलग अलग एल्डिहाइड का लेकर के, तो हम कैसे उसका नाम लिखेंगे, लिख लिया, स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट से। देखो तो एल्डिहाइड का नेमिंग हम आज कर लेते हैं ना, एल्डिहाइड का जो नेमिंग है वो हम आज कर लेते हैं और जो फिर बाकी वो कल करेंगे, ठीक है ना। तो देख लो आयुपीएसिक नेमिंग ऑफ, आयुपीएसिक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड का आयुपेक नाम, एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण,
देखो भाई सी एच थ्री पहले सिंपल लेते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, सिंपल सिंपल बिल्कुल लेते हैं सी एच ओ, ये क्या हो गया सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट है इसमें चेन, तो एक दो तीन चार नाम दिया, ब्यूटेन हो गया ना, तो ब्यूटेनॉल कह दो, सॉरी ब्यूटेनल, एल लगाते हैं ना इसके लिए, ब्यूटेनल हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ब्यूटेन एक एल अल आ गया। अगर ब्रांच आ जाए इसमें तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, इधर आप सी एल लगा दो, ये सी एल है भाई, इधर गड़बड़ कर दिया, सीट वाल बॉन्ड हो इधर, ये एच, इसका नाम तो लिखना है हमको, तो नंबर करो पहले एक दो तीन चार पांच, जिस सी पर ना डबल बॉन्ड है उसे भी नंबर भी, उसे भी नंबरिंग में गिनते हैं, उसे भी नंबर करते हैं उसे भी, तो एक दो तीन चार पांच, पांच हो गया इसमें। अब सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है, तो इसमें एक तो है सी एल, सी एल मतलब सी से स्टार्ट है क्लोरो, और दो इसमें कौन है मिथाइल एम से, तो एम वाला बाद में आएगा सी एल पहले आएगा, तो दो क्लोरो दो क्लोरो, फिर एक दो पर है और एक तीन पर है, दो बार है कौन सा मिथाइल, तो डाई मिथाइल दो क्लोरो दो तीन डाई मिथाइल, कुल कितने पांच है, तो पेंट हो जाएगा पेंटेन, एक एल लगाओ पेंटेन एक अल, एक अल, तो पेंटेनल हो गया, ऐसे इसका नामकरण करते हैं, समझे आप लोग। कुछ और ब्रांच वाले हम इसमें देख लेते हैं फटाफट से, आ जाओ देखो इधर, देखो कॉपी करते रहो उसको, देखो थर्ड वाणी ऊपर का भी कर लो, नेक्स्ट देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच, इधर लगा दो सी एच थ्री, इधर लगा दो बी आर, इधर लगा दो सी एच थ्री, इधर सी एच टू, इधर फिर सी एच ओ, और इसमें लगाओ इधर क्या ऑयल लगा दो। देखो इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग कहां से करनी है वहीं से करनी है, एल्डिहाइड को प्राथमिकता दी जाती है अल्कोहल में और एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को दी जाएगी प्राथमिकता, ठीक है ना। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जैसे इसमें अल्कोहल भी आ गया और एल्डिहाइड भी, तब हम वहां देखते हैं प्राथमिकता किसको देंगे, अगर OH इधर होता और एल्डिहाइड वहां होता, फिर आप कहां से नंबरिंग करते, एल्डिहाइड की ओर से, प्राथमिकता अल्कोहल में और एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को दी जाती है। तो नंबर करेंगे एक दो तीन चार पांच छ और ये सात, ठीक सात हो गया। अब नाम करो पहले, पहले कौन आएगा बी आर, तो कितने पे तीन ब्रोमो, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया, ये अरे नंबरिंग यहां से नहीं होगी, मैंने कहा था ना कि एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको भी नंबर देना होता है, ठीक है ना, तो नंबर इसको भी करना होता है, वो छूट गया था गलती से, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है ना, देखो तो आठ हो गया इसमें, तो यहां पर क्या है चार ब्रोमो, बी पहले आता है ना, चार ब्रोमो, तो इसको नीचे लिखता हूं ताकि सारे आ जाए, चार ब्रोमो, फिर ये कौन है मिथाइल है, तो तीन कोमा चार डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और फिर क्या आ गया इसमें इधर, अब कोई ब्रांच नहीं है, ये तो है ना एल्कोहल है, तो हम उसका लगाएंगे क्या चीज, हाइड्रोक्सी है ना, तो हाइड्रोक्सी किससे आएगा एच से, तो एच से आएगा तो मिथाइल बाद में आना चाहिए है ना, हमें इसको बीच में रखना पड़ेगा, एच पहले आएगा ना, इधर लगा दो तीन हाइड्रोक्सी, एच बनेगा इसका भी स्मॉल लेटर में हाइड्रोक्सी, फिर डैश आएगा तीन चार डाई मिथाइल, नाम आ गया इसमें इसका अल्फाबेटिकल में,
अब क्या आठ है तो ऑक्ट हो गया, ऑक्टेन लिखो और एक एल, ठीक है ना। ऑक्टेन क्यों लिखा, सॉरी गलत हो गया, ऑक्टेन नहीं करना, ओनली आपको ऑक्ट ही करना है। वो ऑक्ट हो गया, देखो ऑक्ट डबल बॉन्ड के नंबर पे है, पांच नंबर पे है, और अल है तो ई और ए में पहले कौन आता है, ए आता है, तो एक अल और फिर पांच इन। भाई डबल बॉन्ड को भी तो यूज करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड भी तो उसमें आ रहा है, तो पांच पे है डबल बॉन्ड तो फाइव इन आया है, यानी कि चार ब्रोमो तीन हाइड्रोक्सी दो तीन चार डाइमिथाइल ऑक्ट, आठ इसलिए ऑक्ट आ गया। एक अल, एक में कौन है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो होता है अनुलग्न वो होता है ए एल, और पांच नंबर पे कौन है डबल बॉन्ड, तो हमने इन लगाया है क्योंकि ई बाद में आता है ए से, इसलिए वो बाद में लगाया गया है, ठीक है। डबल बॉन्ड का इन बाद में लगाया है, ए पहले लगाया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है ई बाद में आता है, ठीक है ना, इसलिए ये हमारा क्या हो गया आयोपेक नाम हो गया, ठीक है ना।